ध्यान रखें, बुढ़ापा तो हर किसी पे आता है। तुम कहीं भी हो, काउ जगह पे हो, काउ नगर में हो, इन्हें पता है, इन्हें पता है एक मौत को बुढ़ापा बिना बुलाए आ जाते हैं। और जब अतीत ने अपने बालों को देखा, मान लीजिए बालों ने एक संकेत दिया, एक इशारा दिया, कि बालों ने कहा इशारे ज्यादा बुढ़ापा है। अब बुढ़ापे में भगवान का भजन करना अति आवश्यक हुआ करता है। लेकिन एक बात बता दूं कि भगवान का भजन जरूरी नहीं है बुढ़ापे में करो। बुढ़ापे में जो लोग भजन करते हैं उनका सुनो, जो लोग बुढ़ापे में भजन करते हैं उस भजन का फल किस प्रकार से मिलता है। अगर कोई भैया अगर अपनी जो जवानी में भगवान का भजन कथा सुनते हैं उनका क्या होता है, और जो लोग बच्चे होते हैं वो कथा सुनते हैं उन्हें किस हिसाब से फल मिलता है। अगर कोई बच्चा कथा सुनता है या उसे पूजा हवन में बैठाते हो साथ में, और ये तो आप जानते ही हो कि पेड़ अगर छोटा हो जिधर झुका दो उधर झुकता ही रहेगा, फिर वो जिंदगी भर झुका ही रहेगा। तो ये तो सब जानते हैं, अगर बचपन में जिस चीज में ध्यान लग जाए, दिल लग जाए, वो चीज जिंदगी भर साथ देती है। समझ रहे हो ना पीछे जी, जिंदगी भर। और वो ज्ञान एक अमृत के समान होता है, वो कभी जाता नहीं है। और जो लोग जवानी में सुनते हैं या भगवान का भजन करते हैं, और जरूरी नहीं भजन कोई भी काम हो, वो एक दूर के समान लगता है। और जो लोग बुढ़ापे में भजन किया करते हैं वो एक पानी के समान हुआ करता है।
अरे वो एक तो बुढ़ापा एक लास्ट टाइम आई हो आज करो कलश हो उसमें क्या रह गया कुछ नहीं तो इधर इनके ऊपर जब ज्यादा बुढ़ापा होगा इन्होंने भी सोचा भगवान का चलो भजन करेंगे राज्य पाठ सब बेटा तो बड़ा हो गया इसको दे दो इधर शंकर गोपाल सिंह ने बुलाया और कहा बेटा ये राज्य अब तुम संभालो हम तो जाएंगे भगवान का भजन करने लेकिन मेरे लाल एक बात हमारी सुनो अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है जब हमारी शादी होगी बन के बीच में मगन इतना ध्यान रखना वो लड़की कैसी होगी बताया जब तुम बनने जाओगे तब तुम्हें एक खूबसूरत सी लड़की मिलेगी लेकिन इतना ध्यान रखना उस लड़की को तुम शादी कर लेना और वो ऐसा ना हो जाए कहीं वो तुमसे रुष्ट हो जाए कहीं वो तुमसे नाराज हो जाए उसे बड़े प्यार से रखना इधर सब को छोड़ करके घर परिवार को छोड़ करके महाराज ने मुकुट अपने शांतन बेटा को दिया और वो भजन करने के लिए चले गए इधर सब राजा शांतन हो गए और जब शांतन हो गए कितने की बात है शांतन ने ये सोचा काफी दिन हो गए मैं शिकार खेलने नहीं गया राजाओं के पहले शौक हुआ करते थे शिकार खेलने के और विचार किया कि अब हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे तो हुआ क्या घोड़ा निकाला और सजवाया देखी प्रश्न के